नागपुर पुलिस, पत्रकार और इनके मित्र परिवार ने किया रक्तदान। पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय के संकल्पना से करीब 650 लोगों ने रक्तदान किया। कोरोना के कारण नागपुर शहर मार्च माह से लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान नागपुर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया। कोरोना के संक्रमण से नागरिकों को बचाने का कार्य पुलिस ने अपनी जान की परवाह न करते किया। कुछ पुलिस कर्मी खुद कोरोना की चपेट में आए। बढ़ते कोरोना को देख मरीजों को खून की जरूरत होती है, यह जरूरत पूरी करने के लिए नागपुर पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपायुक्त गजानन राजमा ने इन्होंने पुलिस का रक्तदान शिविर आयोजन किया। रविवार को पुलिस जिमखाना में आयोजित रक्तदान शिविर, जिसमें शहर के 600 से अधिक पुलिस कर्मियों ने और पत्रकारों ने रक्तदान किया। पुलिस कर्मियों ने दिए खून से आम इंसान की जान बचाने में मदद होगी। रविवार को दिन भर रक्तदान शिविर कार्यक्रम चलाया गया। MIDC यातायात विभाग के PI संजय जाधव के साथ 25 पुलिस कर्मी ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। पुलिस कर्मियों का आदर्श लेकर सामाजिक संस्था, राजनीतिक पार्टियों ने भी इस तरह के उपक्रम कर सरकार को सहायता करने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नागरिक खुद दक्ष रहे, घर में रहे, मास्क सैनिटाइजर का वापर करें। सुरक्षा के लिए पुलिस को मदद करने का आह्वान पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय इन्होंने किया। नागपुर शहर पुलिस के द्वारा यहाँ पर गणेश उत्सव पूरा महाराष्ट्र स्टेट में या भारत देश में जो मना रहे हैं, लेकिन पिछले साल जैसे हम मना नहीं पा रहे, तो देश हित का, सामाजिक हित का इस संकल्प ध्यान में रखते हुए कि ब्लड कैंप का आयोजन किया हुआ है। जो यहाँ पर प्रतिसाद मिला है नागपुर शहरवासियों से, पुलिस अधिकारियों से, कर्मचारियों से, ये एकदम आश्चर्यकारक है, अमेजिंग है। 650 के ऊपर लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। अब तक 350 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। 6 बजे तक ये शुरू रहेगा और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए मास्क सैनिटाइज को लगा कंपलसरी करके यहाँ पर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट के साथ ये ब्लड डोनेट काम चल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट सही में वैसे लॉकडाउन में हर बार काम करते ही है, लेकिन इस बार भी गणेश उत्सव के दरमियान लोगों का प्राण बचाने का काम कर रहे, हमें प्राउड फील हो रहा है और हम धन्यवाद देते हैं पूरे नागपुर शहर वासियों की कि आपने भी बहुत बड़ा स्वयंपूर्ति से प्रोएक्टिवली आपने प्रतिसाद दिया और एक यशस्वी सक्सेसफुल ब्लड कैंप का आयोजन करने में हमें मदद किया। आपकी ये कृति है देश सेवा हित की, ये जरूर सराहनीय है, प्राउड फील करने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम। कोरोनाशी लढताना पुलिस वाल्यांनी अगोदर अगदी मार्च महिन्यापासून कोरोनाशी लढण्याकामी कोरोना योद्धा या रूपात पुढे आलेले आहे। निश्चितपणे कुठेतरी या कोरोनाशी लढताना सर्वसामान्य जनतेला रक्ताची कुठेतरी आवश्यकता आहे। या अनुषंगाने नागपूर शहर पोलीस दलातील पोलीस आयुक्त डॉक्टर भूषणकुमार उपाध्याय आणि पोलीस उपायुक्त श्री गजानन राजमाने यांच्या संकल्पनेतून आजचा हा रक्तदानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमात पत्रकार, पोलीस, बाकी नागपूर शहरातील नागरिक यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिलेला आहे। हे रक्त आम्ही जरी एक बॉटल रक्त दिलं ते आमच्या शरीरात 24 तासात तयार होईल, पण या अनुषंगाने एक आम्ही नागपूर शहरातील लोकांना, महाराष्ट्रातील लोकांना एक संदेशसुद्धा देऊ इच्छितो की आपणसुद्धा रक्तदान करावं, जेणेकरून कोरोना आपण लवकरात लवकर नियंत्रणात आणू शकू आणि या महामारीपासून आपण स्वतःला, आपल्या समुदायाला, आपल्या कुटुंबियांना, आपल्या राज्याला, आपल्या देशाला कमी प्रमाणात म्हणजे हा कोरोना महामारी पळून जाण्यास भाग पडू। धन्यवाद। मी संजय जाधव, MIDC ट्रॅफिक पोलीस निरीक्षक नागपूर शहर। आज रोजी माननीय पोलीस आयुक्त साहेब डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहेब व पोलीस उपायुक्त श्री राजमाने साहेब डिटेक्शन आणि ट्रॅफिकचे पोलीस उपायुक्त विक्रम साळी साहेब यांनी आज ज्या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये जे देशासाठी सैनिक बॉर्डरवर लढत आहेत, तसेच निमलष्करी दर जशी पोलीस वगैरे ह्या महामारीचा इथे सामना करीत आहेत आणि जनता ही ह्या कोरोनाच्या आजाराच्या विरक्यात आहे,
अशा परिस्थितीत पोलिसांनी अजून एक महत्त्वाचं कार्य करायचं त्यांनी ठरवलं आणि आज रक्तदानाचं शिबिर आयोजित केलं. आज रोजी या रक्तदान शिबिराला 650 वर लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. सकाळपासून 6 वाजल्यापासून रक्तदान, 8 वाजल्यापासून रक्तदान सुरू आहे. 350 ते 400 रक्तदात्यांनी इथे पोलीस दलातील कर्मचारी अधिकारी मिळून आणि त्यांचे संबंधित मित्रपरिवार यांनी 350 रक्तदान आत्तापर्यंत केलेले आहे. आमच्या MIDC विभागातून, ट्रॅफिक विभागातून जवळजवळ 25 अधिकारी कर्मचारी यांनी इथे रक्तदान केलेलं आहे. रक्तदान हे श्रेष्ठदान आहे. माणसाने फार मनापासून हे करावं लागतं, स्वतः इनिशिएटिव्ह घ्यायला लागतं. जरी आपण म्हणतो रक्त आपल्याबरोबर फ्री दिलेलं आहे देवाने, तरी ते देण्यासाठी फारच हिंमत लागते. तर ह्या सर्व रक्तदात्यांचं मी जाहीर अभिनंदन करतो. प्रत्येकाने समाजाच्या कामासाठी पुढाकार घ्यावा व रक्तदानामध्ये सहभागी व्हावं ही सर्वांना आग्रहाची विनंती करतो. जय हिंद.